गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप अपनी जगह पे सुरक्षित होंगे। तो अभी आपको घर से बाहर नहीं निकलना है जब तक किसी सरकार के ऑर्डर नहीं आते, तब तक हम टीम बंधन की तरफ से आपको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे। अगर आपको कोई किसी प्रकार की हेल्प की आवश्यकता है तो आप हमारे शुरू में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आप वहाँ से कुछ भी हमसे पूछ सकते हैं। आपको सभी प्रकार की चीज़ें वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आज हम करते हैं हमारा हिंदी ग्रामर का जो टॉपिक है वो है पर्यायवाची। पर्यायवाची क्या होता है? पहले हम चित्र को देखते हैं। यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये फ्लावर है, फूल दिख रहा है। यहाँ पर ये मोर का चित्र हमने बनाने की कोशिश की है, और ये चांद जो है, और ये है आंख। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हम फूल को पुष्प भी कह देते हैं, कह देते ना, और मोर को मोर भी बोलते हैं और मयूर भी कह देते हैं। चांद को हम चंद्रमा या शशि भी कह देते हैं, और आंख को हम आंख, नयन और नेत्र, यानी कि एक ही वस्तु को अलग अलग नामों से बुला रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि समान अर्थों का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं। क्लियर लेना? यस। यानी कि जिन शब्दों का अर्थ लिखने में अलग अलग है वो, लेकिन उनका जो अर्थ है, जो उनका मतलब है, वो सेम निकल रहा है, यानी कि समान निकल रहा है। अब हम चंद्रमा को चांद बोल देते हैं कि चांद निकला हुआ है, सही है। फिर बोल देंगे कि शशि निकला हुआ है, वो भी सही है, ठीक है। तो इस प्रकार जो समान अर्थों का बोध कराते हैं उन्हें हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। क्लियर इतना? तो हमने कुछ सूची बनाई है जो यहाँ पर आपके सामने दी गई है, उनके अनुसार हम करेंगे आज जो शब्द हैं उनके समानार्थी शब्द। कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा शब्द करवाएं कि क्योंकि पेपर के अंदर बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जो हमें बुक में कहीं नहीं मिलते हैं। तो हमने कोशिश की है उन शब्दों को हम यहाँ पे लिखें और आपको बताएं कि उनका क्या क्या समानार्थी शब्द हो सकता है और पर्यायवाची यानी कि होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है आग। कुछ शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें से वो आपका नाम भी हो सकता है, हमें उसका अर्थ नहीं पता है। तो हम कुछ शब्द ऐसे मिलेंगे आपको, देखते हैं वो क्या क्या है, आप नोट करते जाइए। तो सबसे पहला है आग। आग को हम बोलते हैं अग्नि, अनल या पावक, ठीक है। दूसरा जो शब्द है हमारा अमृत। अमृत को हम क्या क्या बोलते हैं? अमृत को हम सुधा, अमीर या पीयूष कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा शब्द है अंधेरा। अंधेरा, अंधेरा का मतलब क्या होता है? तम, तिमिर या अंधकार, ठीक है। उसके बाद आकाश यानी कि स्काई। आकाश को हम क्या क्या बोलते हैं? व्योम कह सकते हैं, नभ कह सकते हैं और गगन कह सकते हैं। उसके बाद हमारा इच्छा। हमारी इच्छा, मनोरथ, चाहत, कामना, ये सब क्या है? इच्छा के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद है ईश्वर। ईश्वर को हम प्रभु कह सकते हैं, ईश कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इनके विभिन्न पर्यायवाची है। कपड़ा, वस्त्र, चीर, अम्र, अंबर, वसन, तो ये इनके नाम है। उसके बाद है हमारा पृथ्वी, भू, धरा या भूमि। उसके बाद है पुत्र, सुत, तन्ने या बेटा, पीड़ा, पीड़ा, दुख, दर्द, वेदना। पर्वत को हम क्या बोलेंगे? अचल, भूधर या नग। उसके बाद है निधन, दीन, गरीब या दरिद्र। महिला, लेडी, नारी, ललना या स्त्री,
उसके बाद है दिन, वासर, दिवस या वार। उसके बाद हम देख लेते हैं इधर कमल, कमल को हम क्या क्या बोलते हैं, पंकज, जलय और राजीव। किनारा, किसी भी चीज का किनारा जैसे नदी का किनारा, कूल, तट या कगार। उसके बाद जो हमारा शब्द है खग, खग यानी बर्ड, पक्षी, विहग या हम उसको नभचर यानी के आकाश में उड़ने वाले नभचर। उसके बाद हमारा गज, हाथी, कुंजर या करी। ठीक है, इसके बाद है हमारा गंगा, जो नदी है हमारी रिवर, उनको उसको हम क्या क्या बोलते हैं, देव नदी, भागीरथी, सुरसरी। ठीक है, अच्छा इसको भागीरथी क्यों बोलते हैं, ऐसा माना जाता है कि जो भागीरथ थे उन्होंने गंगा को लाने के लिए बहुत तपस्या की और तब जाके कहते हैं कि गंगा धरती पर आई, तभी से इसका नाम भागीरथी पड़ा। घर, आलय, सदन या गृह। घोड़ा, घोड़ा का मतलब होता है अश्व, तुरंग या घोटक। तो ये हमारे कुछ शब्द थे जो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इसके बाद हम जो कुछ और बच गए हैं वो भी कर लेते हैं। ठीक है, जल मतलब पानी, वारी या सलिल। तालाब, तालाब देखे हैं ना आपने, हाँ तालाब का मतलब होता है सरोवर, सर या ताल। उसके बाद दास, दास का मतलब होता है सेवक, चाकर या नौकर। उसके बाद बाग, बाग को हम क्या बोलते हैं, उपवन, बगीचा या वाटिका। ठीक है, उसके बाद बादल, बादल, बादल क्या बोलते हैं हम, जलर, जलचर या मेघ। ठीक है, जो ये पर्यायवाची शब्द हैं, अब हम इतने सारे क्यों पढ़ रहे हैं इनको, क्योंकि जो हम कविताएं पढ़ते हैं उनके अंदर इनके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो उनको समझने के लिए हमें पर्यायवाची शब्दों को समझना बहुत जरूरी होता है, और जितना हम शब्दों को सीखेंगे उतनी ही हमारी भाषा के ऊपर पकड़ होगी। तो अगला जो शब्द है वो है हमारा बिजली, बिजली को हम क्या बोलते हैं, दामिनी, चपला या विद्युत। ठीक है, उसके बाद भोरा, भोरा का मतलब अली या भ्रमर या हम सब बोलते हैं भवरा, देखा है आपने भवरा, हाँ मानव, मानव मैन, नर मनुष्य या क्या बोलते हैं उनको, आदमी। ओके, नेक्स्ट है हमारा मित्र, अब मित्र को तो सबका पता है ना, मित्र को हम क्या क्या बुला सकते हैं, सखा, दोस्त या सहचर। ठीक है, उसके बाद माँ, अब ये बहुत ही प्यारा शब्द है माँ, माँ का मतलब क्या क्या होता है, माता, अम्बा, जननी। ठीक है, उसके बाद जो हमारे शब्द बच गए हैं रात्रि मतलब नाइट, नाइट क्या क्या बोलते हैं हम, रात, रजनी, निशा, आपने नाम भी सुने होंगे, मैंने बोला था ना कि कुछ हमने इस प्रकार के जो नाम सुने हैं उनका अर्थ आज हम जानेंगे। ठीक है, तो ये नाम सुने हैं रजनी, निशा, रखते हैं नाम, क्या मतलब होता है उसका, रात्रि, रात। वन, वन को क्या बोलते हैं हम, कानन, जंगल या विपिन। उसके बाद वृक्ष, ट्री, क्या बोलते हैं वृक्ष को, तरु, तरुवर या द्रुम। उसके बाद शरीर, हमारी बॉडी, क्या बोलते हैं उसको, तन, देह, काया। ठीक है, एनिमी यानी के शत्रु, शत्रु कौन होता है, अरि, रिपु या उसको हम बोलते हैं दुश्मन। ठीक है,
उसके बाद है सेल, लॉयन। सेल को हम क्या बोलते हैं? केसरी बोलते हैं, केहरी बोलते हैं और सिंह बोलते हैं। उसके बाद हमारा स्नेह, स्नेह मतलब प्रेम, प्यार या अनुराग। ठीक है, आपने करना है जो मैं बोल रहा हूं, वीडियो को रोक रोक के, और आपने ये सारा होमवर्क करना है, आपने कॉपी में लिखना है इसको, ठीक है, ताकि यह आपको अच्छे से याद हो जाए। उसके बाद समुद्र, समुद्र को क्या बोलते हैं? जलधि, सागर और रत्नाकर, ये समुद्र के पर्यायवाची है। सूर्य, सूर्य को क्या बोलते हैं? हम रवि कह सकते हैं, दिनकर कह सकते हैं और भानु कह सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पांच शब्द बच गए वो हैं सांप, सांप को क्या बोलते हैं? हम सर्प कह सकते हैं, भुजंग कह सकते हैं और विषधर भी कह सकते हैं, ये सब इसके पर्यायवाची शब्द हैं। संसार, जगत, दुनिया या विश्व। उसके बाद हवा, हवा को हम क्या क्या बोलते हैं? हवा बिना तो कुछ है ही नहीं, है ना, हवा, वायु, पवन, समीर, अनिल, ठीक है। उसके बाद हिरण, हिरण को क्या बोलते हैं हम? मृग, कुरंग या सारंग। उसके बाद जो हमारा लास्ट बचा है हरि, हरि का मतलब होता है विष्णु या भगवान। तो ये हमारे पर्यायवाची शब्द कंप्लीट होते हैं, आपने इनको अच्छे से रिवाइज करना है, अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, और नोट डाउन करके आप व्हाट्सएप का जो ग्रुप बनाया है उसके अंदर आपको सेंड कर देने हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर आप में से कोई शब्द नहीं सुना या अच्छे से समझ में नहीं आया कि इसके क्या क्या पर्यायवाची बनते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, हम उसके पर्यायवाची शब्दों को वहां पर लिख देंगे, ठीक है बच्चों। अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर मिलते हैं हम, तब तक के लिए बाय बाय।